शांति। आज की तारीख है 15/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे दुख हरता सुख करता बाप कहते हैं मीठे बच्चे इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ, यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? उत्तर है, निश्चय। तुम्हें निश्चय है कि बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, होगा ऐसे नहीं पर होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं तो सुधरते भी नहीं। आगे चल, अखबारों के द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आफतें आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। नंबर दो, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस दुख धाम को भूलकर शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान बाबा का, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते हैं कि महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं कि मुझे करना है, मुझे बदलना है। ऐसी ऑफर करने वालों को तीन प्रकार की दुआएं मिलती हैं। एक तो स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, दूसरा बाप द्वारा दुआएं मिलती, और तीसरा ब्राह्मण परिवार के द्वारा दुआएं मिलती। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलना ही है तो हम भी चलते रहेंगे, ऐसा अलबेलापन नहीं करना है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। स्लोगन है, संकल्पों को एकाग्रता के द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।